सेटिया सुजुकी जो कि सिविल लाइंस पे है, सिविल लाइंस अजमेर रोड अजमेर पुलिया के पास में है। तो मैं लेने वाला हूँ आज SF 150 का राइडिंग, और आप लोगों को बताऊंगा कैसी बाइक है। तो चलते एक बार अंदर। ये वाला है जिक्सर SF का मोटो GP एडिशन। तो इस वेरिएंट का भी बहुत ही जल्दी जो है डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ, जो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीक तक। तो बाइक अपनी रेडी है टेस्ट राइड के लिए। तो ये टेस्ट राइड वाली बाइक है जो कि मैं राइड करने वाला हूँ। वैसे बैठने में बहुत ही सही लग रही है, और हाइट भी, बाइक की हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। मेरी हाइट जो है वो 5.10 इंचेज है, और बिल्कुल मेरे पैर बिल्कुल टिके हुए हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आपकी हाइट है 5.4 के समथिंग, तो कोई इश्यू नहीं है। 5.4 तक की हाइट के लिए बिल्कुल सही है। तो पावर इनिशियल पिकअप अच्छा है बाइक का, हालांकि जितना होना चाहिए उतना पिकअप इसमें है नहीं, और सीटिंग पोस्टर भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, ठीक ठाक है। गियर शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ सही है, और ब्रेकिंग की बात करें ब्रेकिंग भी सही है। तो गियर्स बहुत ही स्मूथ है, लीन वगैरह आराम से कर सकते हो। तो डेली कम्यूट के हिसाब से मेरे हिसाब से बाइक बिल्कुल सही है, हालांकि पावर थोड़ी सी जो है कम है, पहले की अपेक्षा भी कम कर दी गई है। टर्निंग रेडियस बहुत ही सही है इसका। तो अब बात करें इनिशियल पिकअप की, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, आपको बाइक खींचती हुई सी महसूस होती है। वैसे बाइक एक नंबर है, बिल्कुल नो डाउट, सुजुकी वैसे ही ब्रांड कैरी करता है। अब मैं देता हूँ आपका इसको एग्जॉस्ट नोट, सामने की साइड में LED हेडलैम्प जो कि सुजुकी कार्टना टाइप से है, और क्लासिक व्यू देते हैं बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको देता हूँ एग्जॉस्ट नोट, ये था
सुजुकी SF150 का रिव्यू और राइडिंग एक्सपीरियंस सही रहा। पीछे का टेल लैंप आप देख सकते हो और अच्छा लुक दिखता है। बाइक आप परचेज कर सकते हैं, तो आप विजिट कर लें। अगर आपको टेस्ट राइड वगैरह चाहिए तो आप KTM सुजुकी जो कि सिविल लाइन्स से अजमेर पुलिया के जस्ट नीचे है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और टेस्ट राइड वगैरह आपको मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी बाइक कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ।